नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिगोई हुई चना दाल की रेसिपी। ये सब्जी 2 दिनों तक टिकी रहती है, इसीलिए लोग इसे ट्रैवलिंग में खाने के लिए लेके जाते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी चना दाल ली थी, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे पानी में भिगो के रखा था। अभी हमारी दाल अच्छे से भीग गई है, इसलिए मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब हमें इसे मिक्सर में से निकाल लेना है। मिक्सर में से निकालने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और फिर इसे रफली ग्राइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने दाल को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। इसके साथ हमें चाहिए एक छोटा कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टीस्पून, 2 टीस्पून हरी मिर्च की चटनी, 1 छोटी टीस्पून नमक, हल्दी 1 टीस्पून और थोड़ा सा मसाला। अब हम कढ़ाई गैस पर रख देंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल गर्म होते ही हम इसमें पहले राई डाल देंगे, उसके फूटने के जल्द ही बाद हम इसमें जीरा भी डाल देंगे। प्याज भी हमने डाल दिया है, इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। प्याज का थोड़ा कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल लेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। 1 मिनट तक के हम इसे ऐसे ही पका लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च की चटनी भी मिला लेंगे, हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। अब हम इसमें हल्दी, गरम मसाला और नमक भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें मिक्सर में से निकाली हुई दाल भी डाल देंगे, इसे भी चम्मच से मिला लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी दाल थोड़ी गीली है, इसलिए हम इसे ड्राई होने तक इसमें कंटिन्यूसली चम्मच घुमाते रहेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट में हमारी दाल ड्राई हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारी दाल ड्राई हो गई है, हमें इतनी ही ड्राई करनी थी। अब हम इसमें हरा धनिया भी डाल के अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। हमारी दाल यहाँ पे बस ड्राई हो गई है, ये अच्छी तरह से अभी भी पकी नहीं। बाकी सब्जी पकाने के लिए हम इस पे 3 से 4 मिनट तक ढक्कन रख के पका लेंगे। ढक्कन रखने से हमारी सब्जी भाप पे अच्छे से पक जाती है। देखिए इसकी भाप भी निकल रही है, हमारी सब्जी भी पक गई है। एक बार चम्मच से मिक्सअप कर लेंगे। इस भिगोई हुई चना दाल की रेसिपी को सूखा झुनका, कोरडा झुनका या फिर सूखा पिठला भी कहते हैं। हमारा झुनका मतलब कि बेसन बनके एकदम तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आप इसमें लहसुन और प्याज स्किप कर दें तो आपकी ये सब्जी ट्रैवलिंग में 2 दिनों तक टिकी रहती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।